Good evening, my dear students. This is your mentor for chemistry, Dr. Monica Riddy, and we are live on the platform Fun Academy 11th and 12th Live Daily. Welcome back to another session of Mole Concept, Chapter Number One, Some Basic Concepts of Chemistry. Please confirm. Whether you can see me and hear my voice properly so that I can I can get started off with amazing session number three. After this particular session, what we are expecting is ki mole will be totally nailed. Aj lai ki list You can take it in the form of test or you can just do practice. But you have to complete all the questions. I have total 12 questions for you, 12 different and amazing routine life-related questions through which we will be able to conquer mole concept completely. So, are you already? बच्चों क्विकली बता दो फटाफट फड़ से कि कि आप सारे सारे बच्चे बच्चे तैयार हैं। हैं। कौन कर चुके सेशन को क्या करना शेयर करो ना जल्दी जल्दी क्या मेरी सारी क्लास के बच्चे आ चुके हैं हाई अभिनव पांडे आई फॉल इन लव शाबाश मेरे बच्चे ज्योतिका अर्थोहलिक किंगडम हेलो मैम वर्ल्ड्स बेस्ट केमिस्ट्री एडुकेटर आई एम इन लव विद केमिस्ट्री आफ्टर लर्निंग फ्रॉम यू थैंक यू सो मच मास्टर ब्लास्टर एमबी मैम थैंक यू सो मच पायल गोयल गोयल अवनी अग्रवाल दिवेश गुंजन अपनी गुंजन अपनी ज्योतिका फिर तो उत्कृष्ट भी जरूर यही होगा हाय प्रिया हाय तुषार हाय साक्षी हेलो पंकज हेलो पृथ्वी एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में आज एक लेवल और एक सीढ़ी और चढ़नी है वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पढ़ना है ठीक है वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अ सेट ऑफ वेरी गुड ट्वेल्व क्वेश्चन वाली जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको ग्रुप में लेने में हमारी बहुत मदद करने वाले हैं ठीक है ट्वेल्व सवाल तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं एंड ऑल्सो बी रेडी फॉर वन टेस्ट विच इज ऑफ कोर्स नॉट सरप्राइज टेस्ट क्योंकि मैंने बताई दिया है मंडे को आपका मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ मेंटी क्विज ठीक है इसी सेशन में फोर टू फाइव वाले सेशन में पूरे वीक में मैंने क्या पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा एंड लेट मी सी कौन बच्चे लीडरबुड पर रहते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद माय इंट्रोडक्शन बच्चों माय नेम इज मोनिका बेदी आई डिड माय पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम राजस्थान आई हैव फिफ्टीन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप दिस इज कंडक्टेड बाई सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज नीडेड टू बी क्वालिफाइड इफ यू यूट टू बी प्रोफेसर इन सम गुड कॉलेज ऑफ uh, इंडिया in है ना किसी भी इंडिया के कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है ना आई एव क्वालिफाइड दिस पर्टिकुलर एग्जाम अमंग टॉप थर्टी रैंक्स ऑल ओवर इंडिया ड्यू टू विच मुझे पूरे रिसर्च पीरियड में स्कॉलरशिप मिली है गवर्नमेंट की तरफ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बड़ा सा ग्रुप है बच्चों

हमारे एक्सपर्ट्स से बात करने का मौका एंड यू विल बी गेटिंग आंसर्स टू ऑल योर डाउट्स सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं बेटा अन अकाडमी वैसे तो फ्री कंटेंट एजुकेशन को डेमोक्रेटिक बनाने में लगा हुआ है ठीक है दिस पर्टिक्यूलर आर मिशन इज टू मेक एजुकेशन डेमोक्रेटिक सो फ्री एजुकेशन यूट्यूब पे भी है और ऐप पे भी है दोनों जगह है बट फिर भी आप एक अलग अंदाज में पढ़ना चाहते हैं अगर आपको एक टीचर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए अगर वन ऑन वन आपको कनेक्टिविटी चाहिए अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि नहीं और मतलब आपके टीचर जिन टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं उनसे आपको एकदम बढ़िया तरीके से प्लान वे में डिसिप्लिन वे में पढ़ना है टेस्ट देने डाउट्स पूछने तो बहुत ज्यादा मतलब अपर एज चाहिए तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है लेकिन चार्जेस बहुत नॉमिनल है ठीक है मैं आपको फीचर्स के बारे में बता देती हूँ Uh, हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आप अपने घर के कंफर्ट जोन से एक लैपटॉप के uh, माध्यम से अच्छे टीचर्स जो कि ऑल ओवर इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है अनलिमिटेड एक्सेस है आपको सारो सारे कोर्सेज की मतलब आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं सपोज इफ यू सिलेक्ट सीबीएसई इलेवेंथ तो सीबीएसई इलेवंथ के किसी एक सब्जेक्ट में एक ही टीचर नहीं है बहुत सारे हैं तो आपको सबकी एक्सेस मिलेगी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश सबकी एक्सेस मिलेगी टॉप एडुकेटर्स जो है वो वन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं मैं मेरा मेथड बताती हूँ मैं तीन क्लासेस में पढ़ाती हूँ और वर्कशीट खूब सारी देती हूँ बच्चों को बिजी करने के लिए फिर चौथी क्लास में मैं वर्कशीट डिस्कस कर लेती हूँ फोर्थ क्लास में मैं वर्कशीट डिस्कस कर लेती हूँ एनसीआर का होमवर्क डिस्कस कर लेती हूँ तो ऐसा करके बहुत प्लानिंग के साथ काम होता है तो वेन यू डू समथिंग विद प्लानिंग आई बिलीव चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं वैन यू हैव प्लान्स एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है मल्टीपल टाइम्स छः महीने में हम सिलेबस खत्म कर देते हैं और उसके बाद हम लोग बार बार रिविजन्स कराते हैं और तब तक कराते हैं जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम या स्कूल का फाइनल एग्जाम ना हो जाए मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको टॉप एडुकेटर्स की मिलती है हम लोग खुद से नोट्स बनाते हैं लिख लिख के हाईलाइटिंग एवरीथिंग आपको एक्सपीरियंस्ड एडुकेटर्स के हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे हर चैप्टर के साथ आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे एंड बैच कोर्सेज होंगे प्लस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कैसे करना है उसका तरीका बता देती हूँ आप अन का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो इंस्टॉल कर लो अपना गोल सेलेक्ट करना गोल ढंग से देख के सेलेक्ट करना ठीक है गोल सेलेक्ट करोगे हर गोल पे अलग अलग टीचर्स हैं मुझसे पढ़ना चाह रहे हो तो मैं इलेवन टमी पे मिलूंगी ठीक है तो गोल अच्छे से सेलेक्ट करना गोल सेलेक्ट कर लिया अब गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना गेट सब्सक्रिप्शन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन एक आइकॉनिक नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको जो मैंने अभी अभी बताए थे वो सारे फीचर्स अवेलेबल है यानी कि डाउट क्लासेज लाइव क्लासेज टेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स जो कि एक स्टूडेंट को एकदम बेहतरीन परफॉर्म करवा सकता है ठीक है आपका जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें पर्सनली आपको एक मेंटर मिल जाता है और ये वो मेंटर है जो कि टेलीफोनिकली आपसे कनेक्टेड रहेगा

तो आपको लेना है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो हमारे दो पेजेस हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां प्लस का सब्सक्रिप्शन एक साल का अगर आप लेते हैं तो ये हो जाता है आपका फिफ्टीन थाउजेंड का और अगर दो साल का लेते हैं सुपर सुपर कॉस्ट फ्रेंडली है। मुझसे पूछे तो इलेवेंथ क्लास के बच्चे को यही लेना चाहिए ट्वेंटी का है ठीक है

And 22, में दो साल का सब्सक्रिप्शन है. Needless to mention, सारे सब्जेक्ट्स ड्यूरेशन सारे सब्जेक्ट्स यही सब्सक्रिप्शन अगर हम आइकॉनिक का लेते हैं तो आइकॉनिक का वन ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा ट्वेंटी एट थाउजेंड का है जिसपे अगेन अगर आप सेम रेफरल कोड यूज करोगे एम बी लाइव ठीक है एम बी मतलब मोनिका बेदी जो कि मेरा नाम है आपकी अपनी मैम का तो 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 इसमें भी आपका कितना ऑफ 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 हो 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 जाएगा 2, हो जाएगा 3, हो जाएगा और ये ये आपको का का पड़ेगा सारे सब्जेक्ट पूरे साल दो साल सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं फोर्टी एट थाउजेंड में आप कोड यूज करेंगे मास्ट ब्लास्टर एम बी लाइव कोड तो आपका इसमें फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रफली पांच हजार ऑफ हो जाएगा और ये पड़ेगा आपको फोर्टी थ्री थाउजेंड का

डेढ़ साल का लेने पे तीन महीने का तो आप कुछ भी करें अच्छा दूसरा ई एम आई ऑप्शन अवेलेबल है एम बी कोड लगाने पे आपको ई एम आई ऑप्शन भी, हो कोई भी code, सब कोड्स इक्वल ही डिस्काउंट्स uh, ऑफर करता है बी वेरी क्लियर अबाउट इट आप कोई भी कोड लगाओगे बट इफ यू फील कनेक्टेड विद मी बी प्राउड टू यूज एम बी लाइफ टू टेक ऑल द डिस्काउंट्स एंड लेट्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम आप प्लस पर हो क्या बेटा जून के फर्स्ट वीक से आ रही हूँ इलेवेंथ के लिए खुश रहो बेटा आस्था हाय सीमा कोहली वेलकम टू माय सेशन बेटा हाय सुखमान हेलो माही हेलो लक्ष्मी हाय नवीन कुमार वलमा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कब होगा नेक्स्ट रख लेते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की चिंता है अपना ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए हाय यू कुमार मैथ्स की क्लास किस टाइम होती है इलेवंथ की मैथ्स की क्लास बेटा तुम्हें शेड्यूल देखना पड़ेगा कम्युनिटी पे लगा हुआ होगा हेलो पृथ्वी साहू एवरीवन इज रेडी एंड एक्साइटेड एंड एवरीवन इज स्प्रेडिंग सो मच ऑफ हैप्पीनेस इन द चैट बॉक्स हाय अनामिका दीपक कुशवाहा आयुषी शर्मा हाय बेटू हाँ अक्सर लोग अक्सर लोग ना उल्टा करते हैं तुम सीधा कर रहे हो अक्सर लोग 11वीं के बाद 12वीं में जाते हैं तुम कर रहे हो सीधा तुम 11वीं के बाद 12वीं मार रहे हो मैम की कॉमेडी सबके समझ में नहीं आएगी ओके okay, बेटा चलो लेट्स गेट स्टार्टेड तो बच्चों ये आपका है बी रेडी फॉर द टेस्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट मैंने पूरा हफ्ते जो पढ़ाया है आपको उसका टेस्ट देना आपका फर्ज बनता है ठीक है मैं फिर कह रही हूँ आई विल नॉट बिहेव लाइक एन ऑनलाइन एजुकेटर आई विल बिहेव लाइक योर ऑफलाइन एजुकेटर थोड़े दिनों में मुझे बच्चों के नाम भी याद होने लग जाएंगे कि ये बच्चा आया कि नहीं आया क्लास में कौन एबसेंट है वो सब कनेक्शन हो जाएगा बट यू हैव टू बिहेव लाइक दैट ज बट यू हैवेव लाइक पूरा हफ्ता आपको पढ़ा चुकी हूँ आज को मिला के तो मोल का टेस्ट मेंटी के में, ले है? और, uh, में अब हो सकता है यहाँ हो जाए पोर्टल में भी डिसाइडेड नहीं है टेस्ट कहा लूंगी ये पक्का है मंडे को आपका टेस्ट होगा पुलअप योर सॉक्स एंड गेट रेडी ओके बच्चो आगे चलते हैं होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं विच वन विच हैज मोर आइटम्स एक ग्राम हाइड्रोजन विच् या एक ग्राम कार्बन एक ग्राम हाइड्रोजन या एक ग्राम कार्बन नंबर ऑफ एटम किस में ज्यादा है भाई वजन तो बराबर है अगर तुम बराबर वजन के अंगूर और आम लेके आओगे ग्रेप्स एंड मैंगेट के वन के जी ग्रेप्स वन के जी मैंगो जाहिर है अंगूर छोटे छोटे हैं हल्के हल्के हैं तो ज्यादा होंगे मैंगो बड़े हैं भारी हैं तो कम होंगे इसी तरीके से कार्बन का मोलर मास ट्वेल्व ग्राम होता है और हाइड्रोजन का मोलर मास वन ग्राम होता है विच मींस कि इससे बारह गुना भारी होता है कार्बन इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन नंबर ऑफ कार्बन क्लियर वेरी गुड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन नंबर ऑफ कार्बन

All right. A, D, कोई कुछ लोग कह रहे हैं one gram oxygen, और कुछ लोग कह रहे हैं है, ऑल के साथ बताती हूँ कौन कौन क्या क्या, क्या कह रहा है जैसे रिद्धमा सिंह ए बोल रही हैं अभिनव पांडे डी बोल रहे हैं विश्व बोल रहे हैं ए गुंजन बोल रही हैं ए सुखमन बोल रही हैं ए और राजवीर राय को नहीं आ रहा है महक ए उसके अलावा युक्त कुमार सी सौम्या पर्व गोयल ए मेरे को दिख रहा है कि मैक्सिमम आंसर्स जो है वो एक ही तरफ है आस्था पटेल डी बोल रही हैं ओके okay. और बच्चे क्या क्या आंसर दे रहे हैं कीप गिविंग योर आंसर्स बच्चों सुहानी अग्रवाल सी बोल रही हैं तो मतलब ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम आंसर्स आपके ए और या तो बच्चे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा एटम्स है या फिर कह रहे हैं कि सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स है ठीक है देखते हैं इसको देखो जरा इस स्लाइड को जरा गौर करके देखना बच्चों जरा गौर करके देखना ये 6 ऑक्सीजन है 6 कीटाणु है ये 6 ऑक्सीजन यहां भी 6 ऑक्सीजन यहां भी 6 ऑक्सीजन कीटाणु तो 6 ही हैं क्योंकि जब तुम मास सेम ले लेते हो ना इफ यू टूक सेम मास यू टूक सेम मास फॉर ऑल ऑफ देम 1 ग्राम 1 ग्राम एंड 1 ग्राम तो अगर तुम गिवन मास सेम लोगे तो छह कीटाणु छाणु छह कीटाणु ओ ओ टू और ओ थ्री तो सिर्फ ये है कि हैं। जहाँ ऑक्सीजन में सब इंडिविजुअली खड़े हैं तो हो गए। अगर ओ टू की बात करते हैं मतलब दो दो कीटाणुओं ने पेयर बना लिए हैं तो पेयर कम हो गए लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही है ना अभी भी कीटाणु तो ही है। यहां पे तीन, तीन ने तिकड़ी बना ली है तो भी छ ही है अरे भाई क्लास में छह बच्चे पढ़ते हैं कभी छह अलग अलग खड़े हो जाते हैं कभी दो दो के जोड़े से खड़े हो जाते हैं कभी तीन तीन के ग्रुप से खड़े हो जाते हैं वजन तो सबका बराबर है तो नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही रहेंगे ना अब इसको लॉजिकली समझ पाए हो तो थम्स अप करो नहीं तो आई विल एक्सप्लेन मैथमेटिकली नहीं तो आई विल एक्सप्लेन मैथमेटिकली लॉजिकली समझ गए हो तो मुझे थम्स अप करके बता दो कि यस मैम भैया सब तरफ मास इक्वल है तो कीटाणु तो सेम ही आएंगे ना सब तरफ अलग कैसे आ जाएंगे दो दो ओ थ्री है तो तीन तीन की खड़े हाउ डज इट मैटर इंडिविजुअल्स तो ही है ना क्योंकि मास सेम है इसको मैथमेटिकली करें क्रिस्टल क्लियर चलो इसी को मैथमेटिकली भी कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए है ना फटाफट से सॉल्व करूंगी क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे आज क्वेश्चंस कराने टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है 1 ग्राम ऑक्सीजन गिवन मास वन अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का 16 नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगैड्रो ठीक है ये ए के लिए है बी का क्या होगा मैथमेटिकली लॉजिकली दोनों तरीके से बता रही हूँ कुछ बच्चे लॉजिकली स्मार्ट होते हैं कुछ मैथमेटिकली स्मार्ट होते हैं तो दोनों तरह के बच्चों के लिए 1 ग्राम O2 दिस 1 ठीक है अपॉन O2 का मोलर मास कितना है O2 का मोलर मास 32 है

नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूल्स आ गए तुम लिए पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो तो, तो, तो थ्री, थ्री, थ्री के लेकिन तो ये फिर वापस एन ए बाईटीन एन ए बाईन तो अगर जो जो मैथमेटिकली स्मार्ट बच्चा है उसको ऐसे समझना है जो लॉजिकली स्मार्ट बच्चा है उसको ऐसे समझना है ठीक है क्लियर बच्चों सबको अप कर दीजिएगा है ना और सेशन को लाइक करा कि नहीं करा जरा चेक करते हैं सेशन. और मैथमेटिकल है, है इतना तो बुरा नहीं पढ़ाती पढ़ाती चलिए एनी वेज अब बेटा हम वी मोर लेवल आज मैं मोल कॉन्सेप्ट के तीन लेवल्स होते हैं मोल कॉन्सेप्ट की टर्म को नंबर से रिलेट करना मास से रिलेट करना और वॉल्यूम से रिलेट करना तो हम दो तो कर चुके हैं तीसरी हम करने वाले हैं यानी कि वॉल्यूम से रिलेट करना और वंस हम इसको पैकेट को क्लोज कर देंगे कि वॉल्यूम भी हमें आता है तो फिर हमको मिक्स मिक्स क्वेश्चन करने हैं सब ठीक है तो आज बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है मज़ेदार प्रॉब्लम्स है बहुत मजा आने वाला है टेक इट एज अ गेम शो ठीक है अब वॉल्यूम कॉन्सेप्ट क्या कहती है अब फोकस करके सुनना एक्चुअली ये माना जाता है साइंटिस्ट ने अगेन पता लगा जैसे एवोकेडो ने ये पता लगाया ना कि भाई एक मोल में एवोकेडो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं है ना और उसका मास मोलर मास कहलाता है वन मोल का मास सिमिलरली गैसेस के केस में ध्यान से सुनना बेटा गैसेस के केस में जैसे ओ टू हो गई एन टू हो गई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई कोई भी गैस हीलियम हो गई गैसेस के केस में ये माना जाता है कि एक मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वन बार प्रेशर एंड जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर किसी भी गैस का लिक्विड का नहीं सॉलिड का नहीं अगर किसी भी गैस का विच इज फ्री टू मूव तुम वॉल्यूम मेजर करते हो इट विल ऑलवेज ऑलवेज बी 22.4 लीटर वाई अगर ये चेम्बर 22.4 लीटर का है है ना और एसटीपी कंडीशंस मेंटेन्ड है तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे एबोगेड्रो नंबर टू इन टू टेन की पार ट्वेंटी थ्री विच इज नोन एज वन मोल ठीक है लेकिन बशर्ते एस टीपी कंडीशन हो क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम्स फैलेंगे काइनेटिक एनर्जी लेके तो टेम्परेचर प्रेशर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है दुनिया की कोई भी गैस हो कोई भी गैस हो मॉलिक्यूलर गैस हो जैसे CO2 या एटॉमिक गैस हो जैसे हीलियम कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस है दुनिया की हर गैस इन कंडीशंस में अगर वो एक मोल है अगर वो 6 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं तो वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है वो 22.4 लीटर होता है यानी ये चेंबर जो कि सपोज लेट से 22.4 लीटर का है एस पे इसमें सिर्फ वन मोल एटम्स या मॉलिक्यूल्स ही समा सकते हैं इज दैट क्लियर टू एवरीवन वन इज दैट क्लियर टू एवरीवन सो अगर तुम्हें ये बता दिया कि भैया एक मोल का वॉल्यूम गैस के, के केस में 22.4 लीटर होता है अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि मेरे पास में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इलेवन लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती कैन यू टेल मी हाउ मेनी मोल्स डू आई है

कि मैम आप तो कुछ भी वॉल्यूम बोलो क्योंकि मोल दिस इज मोलर वॉल्यूम ना दिस इज मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वन मोल इज फिक्स वॉल्यूम ऑफ वन मोल इज फिक्स फॉर अ गैस एट एन और एस और इसको क्या बोलते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर विच इज नोन एज मूलर वॉल्यूम तो पता है भाई एक मोल का वॉल्यूम चौबीस पॉइंट चार होता है एक मोल का वॉल्यूम फिक्स है अभी मैं बोलूंगी मेरे पास में ग्यारह पॉइंट दो है तुम कहोगे मैम आपके पास आधा मोल है अभी मैं कहूंगी मेरे पास फोर्टी फोर पॉइंट एट है तुम कहोगे मैम आपके पास दो मोल है क्योंकि तुम्हें पता है कि वॉल्यूम एक मोल का ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स होता है आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है ये देखो ये ये चेंबर है जिसका वॉल्यूम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर है इसमें एक मोल गैस है तो इसमें कितने मोल गैस है इस बड़े चेंबर में कितने मोल गैस है बताओ फटाफट जल्दी से यस गिवन वॉल्यूम बाई इसमें कितना मोल गैस दिखाई दे रहा है क्लास ट्वेल्व के टाइमिंग्स बेटा मंडे वेन्सडे फ्राइडे रात को नौ से दस शाबाश टू मोल्स है, है ना तो टू मोल गैस है मतलब इसमें टोटल मॉलिक्यूल कितना है टू मोल गैस है तो ट्वेल्व इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स है ट्वेल्व पॉइंट जीरो डबल फोर इन टू टेन की पार ट्वेंटी थ्री अच्छा इसमें कितना गैस है इसमें कितना मोल है हाउ मेनी मोल्स इट हैज हैजी बच्चों एक्जैक्टली थ्री मोल्स है ठीक है थ्री मोल्स है और उल्टा पूछ लेती तो कि थ्री मोल का वॉल्यूम कितना होगा तो बता देते अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों थ्री मोल ऑफ गैस का एसटीपी पे क्या वॉल्यूम होगा बता दोगे थ्री मोल ऑफ गैस का एस पे क्या वॉल्यूम होगा बता दोगे बच्चों जल्दी बताओ चैट बॉक्स में एक्टिव रहो थ्री मोल गैस का एस पे क्या वॉल्यूम होगा कितना वॉल्यूम होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इंटू थ्री है ना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इन टू थ्री परी गुप्ता सही आंसर दे रही है सूरज झा सही आंसर दे रहे हैं अभिजीत कुमार चौधरी सही आंसर दे रहे हैं सिंपल कॉन्सेप्ट है ना यार तो फिर तो यार ये कर दो फटाफट -फड़ से सवाल जल्दी से फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर एसओ टू अभी गैस कोई भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता गैस कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बस कंडीशन एस टी पी होनी चाहिए ठीक है ये बताओ इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी बताते जाओ फिर मैं आगे चलती जाऊंगी अभी असली सवाल तो शुरू ही नहीं हुए अब शुरू होंगे हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम आकांक्षा वर्मा बेटा वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आगे बताऊंगी फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि एसटीपी पे एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइ करती है और ये नेचर का सच है ये हमने बनाया नहीं है ये नेचर का सच है नेचर का सच है उतना ही सच कि नदियां क्यों बहती हैं कोई झरने क्यों ऐसे टपकते हैं ये नेचर ने बनाई ना चीजें उतना ही सच है ये इसको हम जान सकते हैं डी नहीं कर सकते ये नेचर ने बनाया है कि एस जो कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है नेचर मेड दिस हमने सिर्फ नापा है ठीक है और इसे इसको हम क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम कहते हैं तो इसको तुम याद रखो तो फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर का आंसर क्या है सबके आंसर आ गए देखो मेरे पास अच्छे से आंसर दे रही है साक्षी आ, टू फोर वन पॉइंट फाइव एन जीरो पॉइंट फाइव साक्षी शिरोले बोल रही है तो चलो मैं आंसर बता देती हूँ आप लोगों को

इलेवन पॉइंट टू अपॉन मोलर वॉल्यूम फॉर्मूला समझ गए विल गिव यू हाफ मोल ठीक है जब तक आप अपने दिमाग से अगर आप अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन लेके बैठे नो क्यों 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 मैं फिर तुम्हें वो बोलूंगी ये हाथ राइट क्यों ये लेफ्ट क्यों ये राइट क्यों नहीं ये लेफ्ट क्यों नहीं ये बताओ समझ रहे बात को मतलब नेचर ने कुछ चीजें बनाई है तो बनाई है नॉर्थ पोल नॉर्थ क्यों होता है नॉर्थ को साउथ क्यों नहीं कहते साउथ को नॉर्थ क्यों नहीं कहते ईस्ट को वेस्ट क्यों नहीं कहते वेस्ट को ईस्ट क्यों नहीं कहते साइंटिस्ट ने कर दिया उस चीज को हमने हमको क्या करना है फॉलो करना है समझे तो इसी तरीके से एक बार इसको एक्सेप्टेंस रखो कि हाँ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर जो वॉल्यूम होता है उसमें एक मोल मॉलिक्यूल्स या एटम्स आते हैं तो अगर इसका तिगुना लूंगी मैं तो ये इंटू थ्री हो जाएगा वॉल्यूम और मोल्स भी इंटू थ्री हो जाएंगे थ्री मोल्स हो जाएंगे ठीक है अगर मैं इसका हाफ लूंगी इस चेंबर का इतना अगर मैंने कंसिडर कर लिया तो ये आधा मोल है और इसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स भी आधे हो जाएंगे ठीक है तो ये मैंने तभी तो फर्स्ट लेक्चर में कहा था मोल इज अ मैजिक ऑफ नेचर एंड इट हैज नो एक्सेप्शन आल्सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट ठीक है तो आगे बढ़ते हैं दिस इज योर होमवर्क फॉर क्लास ये आज का होमवर्क है इसको करना सॉल्व अब हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ चुका है वो सुनिए ठीक है अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है हमें पता है कि नंबर के तरीके से एक मोल की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट जीरो ध्यान से सुना जैसे डजन बारह होता है जैसे पेयर टू होता है वैसे ही सिक्स पॉइंट जीरो दस बटा दो पचास बटा दो फोर्टी बाई टू हंड्रेड बाई टू पेयर्स आ जाते हैं सॉ जुराबे पड़ी है कितने पेर्स हैं कितने पेयर्स हैं फिफ्टी पेयर्स हैं हंड्रेड सॉक्स फिफ्टी पेयर्स ऑफ सॉक्स ठीक है ये चश्मे लेके खरीद क्या है हम बारह चश्मे कितने एक डजन चश्मे लेके आए ठीक है

वॉल्यूमर वॉल्यूम कहलाता है ट्वेंटी मास दूंगी मास से डिवाइड करो वॉल्यूम दूंगी वॉल्यूम से डिवाइड करोगे पहचानोगे कैसे नंबर पहचानना तो आसान है दो पांच सात दस पंद्रह सौ मोलर मास ग्राम किलोग्राम मिली ग्राम माइक्रोग्राम वॉल्यूम लीटर मिली यूनिट से पहचान जाओगे काफी बच्चे पहचान नहीं पाते यूनिट से ठीक है

क्लियर बच्चों ये मैजिकल फॉर्मूला है दिस इज नोन एज माय मैजिकल फॉर्मूला करके लिखना इसको अपने उसमें लिखना माय मैजिकल ये मैजिकल क्यों है वो मैं तुम्हें बताऊंगी फॉर्मूला माय मैजिकल फॉर्मूला ठीक है इसमें अगर तुम्हें कोई एक चीज पता लग जाए क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर्स नोन होते हैं

बारह सवाल है टोटल जल्दी जल्दी करना क्विकली करना इस फॉर्मूले का यूज करते हुए एग्जैक्टली थर्टी सेकेंड्स दे रही हूँ फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन मास ऑफ 11.2 पॉइंट लीटर्स ऑफ हीलियम हीलियम इज अ गैस ठीक है इसका वॉल्यूम तुम्हें गिवन है तुम नंबर ऑफ एटम्स एंड मास निकालोगे जल्दी करिएगा बच्चों अच्छा इलेवेंथ में नहीं आता था साक्षी को <laughs> अब आ गया ना बेटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स राजक सलूजा बोल रहे हैं थ्री इंटू टेन के पार ट्वेंटी थ्री राशि बोल रही है थ्री इंटू टेन की बातेंटी थ्री श्रेष्ठ बोल रहे हैं पॉइंट फाइव मोल्स एंड अभिनव अभिवजा बोल रहे हैं थ्री इंटू टेन की बात ट्वेंटी थ्री शबा शाबा शबा अब देखो थर्टी हुए पूरे मैं सॉल्व कर रही हूँ जो बच्चे कर ले इसको वो टू मार्क्स देंगे खुद को अपने आपको दो नंबर दीजिएगा एक तरीके का क्लास टेस्ट है ये क्लास टेस्ट है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा चुकी है और मस्त तो सबसे हाई लेवल का टेस्ट होने वाला है मंडे को प्रॉपर ठीक है आज प्रैक्टिस टेस्ट मान लो इसको

और एवोगैड्रो नंबर भी तुमको पता है सिक्स इंटू टेन की पर ट्वेंटी रफली मैं हर बार सिक्स लिखूंगी पूरा पूरा मैं नहीं लिखूंगी आप पूरा पूरा लिखें तो ये कितना है मोल्स आ रहा है इससे इस, इस चीज से आंसर आ गया जीरो पॉइंट फाइव मोल अब गिवन मास निकालना है कि हीलियम का कितना मास है तो भाई एक मोल चार ग्राम का होता है तो हीलियम का आधा मोल कितना मास होगा फोर इंटू पॉइंट फाइव टू ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालने है? अभी एक मोल में सिक्स इंटू टेन की पार्ट टी थ्री होते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स आधे मोल में कितने होंगे इंटू टेन के पार ट्वेंटी थ्री दोनों तरीके से करेंगे जैसे ही पता लगा मोल्स कितने है? हमने गिवन मास भी निकाल लिया और गिवन नंबर भी निकाल लिया इसको उधर फेंक दो तो आ जाएगा दो मोल और इसको उधर फेंक दो तो आ जाएगा थ्री इंटू टेन के पास ट्वेंटी थ्री फॉर्मूला अप्रोच भी चलेगी लॉजिकल अप्रोच भी चलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम मास थर्टी टू ग्राम्स करें जल्दी जल्दी वॉट इज द टाइम फॉर टेस्ट बेटा क्लास में आधे घंटे का टेस्ट लूंगी फिर नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर जाएंगे पूरे हफ्ते में जो पढ़ाऊंगी वी विल मेक अ पैटर्न यू नो वोट आई सिंसियरली बिलीव इफ वी डेवलप प्लानिंग ना वी कैन विन एनीथिंग हम अगर डेज फिक्स कर लें टेस्ट के हम होमवर्क को रेगुलराइज कर लें हम क्लास में रेगुलरली आए तो हम कुछ भी जीत सकते हैं फाइंड वॉल्यूम इन मास ऑफ टू मोल्स ऑफ H2 आंसर आया अरे वास्ता पटेल टुडे इज माय फर्स्ट वन ईयर कंप्लीटेड विद यू क्या बात है आस्था गॉड ब्लेस यू बेटा हां तो अब इसको मैं भी सॉल्व कर रही हूं आप अपने आंसर्स मैच करो देखते हैं किस बच्चे ने क्या-क्या आंसर दिए ऑक्सीजन uh, अब हमें मिला क्या हुआ था इसमें दो मोल मिल रखे थे मतलब हमें ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन था तो हम यहाँ लिखेंगे टू और पूछा क्या था वॉल्यूम पूछा और मास पूछा यानी ये पूछा है और ये पूछा है ये तो पूछा नहीं सो मैं काट रही हूँ क्योंकि पूछा ही नहीं मैं जबरदस्ती इस फॉर्मूले में अपना क्यों अपन अपना, अपना दिमाग खराब करें तो अपन सीधा उस पर जाएंगे गिवन मास हो जाएगा डब्ल्यू और मोलर मास है थर्टी टू ठीक है इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम हो जाएगा वी

और वॉल्यूम कितना होगा अभी एक मोल का वॉल्यूम वॉल्यूम होता है तो दो मोल का होगा। nice. ये सवाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे पता है ये लर्निंग डेवलप करने के लिए मैम खुद बनाती है बिटू दिन भर में बैठ के सवाल बनाती है कि, कि किस ऑर्डर में सवाल दिए जाए कि बच्चा एक एक सीढ़ी चढ़ता जाए चढ़ता जाए चढ़ता जाए

कुनाल अगर जो बच्चे बोल कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं होते ना आगे उनको स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत प्रॉब्लम आता है इसलिए ये बहुत जरूरी होती है चीजें करनी ट्वेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम आता है सॉल्यूशंस चैप्टर में और इनमें हम्म आंसर आ गए चलो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मास ऑफ इलेवन ये है मैजिकल फॉर्मूला इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं गिवन नंबर को मैं एन लिखती हूँ एवोगेटो नंबर को मैं आ,

थ्री इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री और आपका डब्ल्यू आ गया फोर्टी फोर को उधर फेंक दो यानी कि ग्राम ये तो था मैथमेटिकल अप्रोच थ्रू मैजिकल फॉर्मूला लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम इसकी लॉजिकल अप्रोच भी कर सकते हैं हमने जैसे हमें लीटर पता लगा कुछ बच्चे लॉजिकली इतने स्मार्ट होते हैं बहुत सो मेनी ऑफ यू विल बी वेरी वेरी स्मार्ट आप ये सब सोचेंगे भी नहीं आप पता है क्या सोचोगे मैम आधा आधा मोल मोल बता तो रखा है ना, तो रखा ना अगर कार्बन डाइऑक्साइड का है एक मोल फोर्टी फोर ग्राम है तो आधा मोल बाईस ग्राम होगा और मास कित, मॉलिक्यूल कितने होंगे आधा मोल है तो थ्री इंटू टेन की ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इट डिपेंड्स अगला सवाल आ चुका है ये देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में एक ब्लड सैंपल दिया दिख रहा है आपको आपको एक ब्लड सैंपल दिखाई दे रहा है टेस्ट में परिगुप्ता अगर आप आज पहली बार मेरे प्लेटफॉर्म पे आई हैं या और दूसरे बच्चे पहली बार आए हैं मुझसे पढ़ने तो कल संडे का दिन है प्लीज कल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर हो चुके हैं आपको यूट्यूब में डालना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मोनिका मैम तीनों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से अवेलेबल आप तीनों लेक्चर्स कर संडे को देखिए और मंडे से टेस्ट के साथ हमारे साथ आगे जुड़िए और प्रोसीड करेंगे है ना चलिए मैम यूर दैट डायमंड इन द डार्क फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत दिन से तारीफ नहीं किया <laughs> तो इस टेस्ट ट्यूब में खून दिखाई दे रहा है तुमको ब्लड अभी ब्लड सैंपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर 45.6 परसेंट आयरन होता है हीमोग्लोबिन में तो अगर मैं इतना ब्लड सैंपल लू जिसमें पांच ग्राम हीमोग्लोबिन हो पांच ग्राम हीमो स्पेलिंग तो ठीक है ना हाँ हीमोग्लोबिन हो ठीक है तो मुझे आप बताइए कि इसमें आयरन के कितने आइटम्स हैं इस टेस्ट ट्यूब में बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस मोल कॉन्सेप्ट नंबर के साथ खेलना सीखना है इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें खून पड़ा है इस खून में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है अगर मैंने इसमें से पांच ग्राम हीमोग्लोबिन एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आयरन के मैंने कितने आइटम्स एक्सट्रैक्ट किए हैं गोयल कह रहे हैं टू पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री टू पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री देखते हैं ये सही आंसर है या नहीं बताओ बताओ जल्दी इतनी देर नहीं लगाओ बेटा टू पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू जल्दी जल्दी करो कॉपीज में देवेश कह रहे हैं टू पॉइंट फोर इंटू टेन की पार ट्वेंटी फोर पावर्स में बहुत लोचा है रे बहुत लोचा संभालना भी पावर्स में साक्षी कह रही है पॉइंट टू फोर इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री एक्ट साइंटिफिकेशन में टू पॉइंट फोर इंटू टेन की पार ट्वेंटी टू हाँ रुचि मैं समझा रही हूं बेटा चलो नहीं बना ये वाला सवाल थोड़ा टफ हो गया अरे अभी बनवा देंगे चिंता क्यों कर रहे हो फोकस करना लेकिन इधर उधर ये नहीं कि ध्यान चैट्स में पड़ा हुआ है ध्यान तुम्हारा अरे 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 हाँ हाँ मम्मी अभी आ रहा हूँ अभी सुन रहा हूँ अभी कर रहा हूँ हाँ क्या और क्या हाल है इतनी देर में तो मैम ने समझा दिया फिर मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसे मत करना फोकस करके सुनना ठीक है अब ब्लड सैंपल कंसिस्टिंग हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन मैंने तुम्हें टेस्ट ट्यूब में ये ब्लड का सैंपल दिया है इस सैंपल में पांच ग्राम हीमोग्लोबिन है ऐसा मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये सैंपल में कितना भी ब्लड हो लेकिन इसमें जो हीमोग्लोबिन है ना वो पांच ग्राम है ठीक है पांच ग्राम है अब क्योंकि हीमोग्लोबिन का फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट जो होता है वो आयरन होता है आयरन होता है ना एलिमेंट आयरन लोहा तो हर हीमोग्लोबिन मतलब हीमो में मतलब हंड्रेड ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स ग्राम आयरन है दिस इज वॉट इट मीन तो सबसे पहले तुम हीमोग्लोबिन कितना है तुम्हारे पास पांच ग्राम लेकिन हीमोग्लोबिन का फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट ही तो आयरन है तो परसेंट निकालने आती है ना हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन का फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट आयरन है तो ये क्या आ गया गिवन मास ऑफ आयरन आ गया इस गिवन मास ऑफ आयरन को किससे डिवाइड करोगे मोलर मास ऑफ आयरन से अब क्या आ गया मोल्स आ गए ठीक Word, है गिवन मास अपॉन मोलर मास से मोल्स आ गए

और मैंने एवोकेट्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नंबर ऑफ आयरन आइटम्स आ गए इज दैट क्लियर टू यू इज दैट क्लियर टू यू क्या किया अपन ने टेस्ट ट्यूब के अंदर खून भरा हुआ है हमसे हमें कोई बता रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में ग्राम है। लेकिन हिमोग्लोबिन का फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट जो होता है वो आयरन होता है तो हमें हीमोग्लोबिन का मास नहीं चाहिए बेटा हमको आयरन का मास चाहिए क्योंकि वो हमसे आयरन एटम्स निकलवा रहा है तो हमने हीमोग्लोबिन का कचरा पट्टी तो फेंक दिया हमें हमने ये निकाल लिया कि उस हीमोग्लोबिन में आयरन कितना है तो ग्राम का मास हो गया। मास मोलर मास 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 से क्या जाएगा बेटा मोल्स आ जाएंगे मोल्स इंटू एवोकेट नंबर करोगे तो क्या आ जाएगा भाई तुम्हें कोई कहीं दो डजन है ना टू इंटू ट्वेल्व दस ड है टेन इंटू ट्वेल्व तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो उसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे एवोकेडो नंबर से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करोगे तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री या फोर है शायद इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू आ रहा है क्या यस टू पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन की पावर ट्वेंटी टू तो दिस इज द करेक्ट आंसर इसको सॉल्व कर लेना ठीक है आया समझ इज दैट क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर आर्यन तन्ना हाँ पर गोयल एक्जैक्टली exactly. मैंने ये लेक्चर टू में भी सिखाया था जब मैं मैग्नीशियम का नहीं बड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल लेके आई थी और आज मुझे वो स्लाइड लगानी थी मेरे ला, लास्ट मोमेंट से दिमाग से निकल गया मैंने सोचा था हीमोग्लोबिन का भी मॉलिक्यूल इनको दिखा दूंगी इनको फील आ जाएगी पर एंड टाइम पे दिमाग से निकल गया तो हीमोग्लो अगली क्लास में दिखा दूंगी अगर याद रहा तो कि हीमोग्लोबिन भी ऐसा बड़ा सारा मॉलिक्यूल होता है उसमें कुछ आयरन आटम होते हैं बाकी कुछ और चीजें होती है तो तुमसे तो बस ये पूछ रहा है कि आयरन कितने तो तुमने ग्राम का परसेंटेज निकाला फिर मोलर मास से डिवाइड कर दो फटाफट पड़ चैट बॉक्स में अगले सवाल की तरफ आई लव केमिस्ट्री कौन बच्चे बोलते हैं आई लव केमिस्ट्री आई लव केमिस्ट्री ऐसा लिखते लिखते पेंसिल से पेंसिल से लिखते लिखते पेंसिल से लिखते तो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का लोट्रोप ग्रेफाइट लिखते लिखते ऐसा एक डॉट बनाया एक डॉट ये डॉट देख रहे हो तो जब पेंसिल से लिखते हो तो पेपर पे ग्रेफाइट बिखेर देते हो ग्रेफाइट इज कार्बन सवाल ये है कि जब तुमने एक सेंटेंस के एंड में डॉट लगाया कोई भी डॉट लगाया जो कि वन माइक्रोग्राम ग्रेफाइट का था जिसका वजन कितना था वन माइक्रोग्राम ग्रेफाइट का था तो एज्यूमिंग कि वो जो जिस काले पेंसिल से तुम लिख रहे थे वो कार्बन है ऑफ कोर्स ग्रेफाइट है तो कार्बन ही है बताओ कि उस डॉट में तुमने कितने कार्बन आइटम अपनी कॉपी में फेंक दिए ये बताओ जल्दी लिखते लिखते एक डॉट लगाया लिखते लिखते एक डॉट लगाया पेंसिल से लिख रहे थे पेंसिल से लिखते तो ग्रेफाइट से लिखा जाता है लिखावट जो आती है वो राइटिंग ग्रेफाइट की होती है वो ग्रेफाइट पे एक डॉट जो वन माइक्रोग्राम का तुमने टक से किया तो उस डॉट में कितने कार्बन आइटम तुमने उसमें फेंक दिए हर्ष कह रहे हैं पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि एम बी आर्मी के ट्वेंटी ट्वेंटी वन के सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे आई लव केमिस्ट्री आस्था आई लव केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ यू कार्तिक कह रहे मैम वी यूज की बोर्ड वी आर मॉडर्न वी डोंट यूज पेंसिल फाइव इंटू टेन के पास सिक्सटीन साक्षी आंसर दे रही है फाइव इंटू टेन की पास सिक्सटीन बाकी के बच्चे भी करिए मैं विद इन नेक्स्ट थर्टी आपको आंसर करवा दूंगी जल्दी जल्दी अपने कॉपीज में सॉल्व करो टाइम अप होने वाला है आपकी क्लास में पता ही नहीं चलता है टाइम का कितना आंसर आ रहा है साहिल का आ रहा है 5 10 के 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 पास 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 हर्ष का आ रहा है, 5 10 के 16, का आ आ रहा रहा है है अंजलि मतलब धुआंधार हो गए बच्चे अरे ये जो डॉट फेंकी ना तो तुमने वन तो मास W की वैल्यू क्या हो गई वॉट इज द वैल्यू ऑफ W? द वैल्यू ऑफ W इज वन माइक्रोग्राम ग्राम वन माइक्रो होता है टेन की पावर माइनस सिक्स ग्राम वजन की डॉट थी वो इतना कार्बन था उसमें तो गिवन मास कितना है टेन की पावर माइनस सिक्स ग्राम

सिक्स इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री इसको काटा पिटी कर दो सिक्स टू ज ट्वेल्व तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर सेवनटीन है ना सेवेंटीन तो साइंटिफिक नोटेशन में फाइव इंटू टेन की पावर सिक्सटीन कार्बन एटम्स उस डॉट में बिखेर दिए तुमने ये लगाई ही कार्बन की डॉट और कितने कार्बन के आइटम्स पेपर पर पे आ गिरे

तो उधार मांगोगे तो इसके पास तो पैसे कम रह जाएंगे ना सेवनटीन का सिक्सटीन हो जाएगा क्लियर राजरंजन चेक योर कैलकुलेशन बेटा चेक योर डोंट स्पैम एंड चेक योर कैलकुलेशन ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो नेक्स्ट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर वॉटर ये ऑक्सैलिक एसिड की बॉटल है लैब में पड़ी होती है इसके अंदर टोटल ना ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है और ये मोलर मास है तो मैं तुमसे क्योंकि अब तो मोल कॉन्सेप्ट के महारत ही हो जाने चाहिए हो तो मैं तुमसे पूछूं कि इस बॉटल में वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स कितने है? मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन कितने हैं जल्दी बताओ टाइम ओवर होने वाला है बारह क्वेश्चन लाई थी होमवर्क में डालने पड़ेंगे शायद जल्दी जल्दी आई लव मोनिका मैम मैम लव केमिस्ट्री देर फॉर आई लव केमिस्ट्री ज्योतिका क्या बात है इंग्लिश की शेर चाहिए हाँ बेटा yes, my answer is yes. Two molecules Be... के एस ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स हैं है कौन कह रहे दो मोलिक्यूल है दिख गए दो वो बोरे दो वो बोरे मैम दो मॉलिक्यूल ये देखो आपने दो लिखा हुआ है तो मोल के दो मॉलिक्यूल चलो लेट मी जस्ट फाइंड आउट हम हमें क्या निकालना है मैं और डिटेल में घुसती जा रही हूँ हमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकालना है तो अपने पास गिवन मास कितना है डब्ल्यू की वैल्यू क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास से बेटा नंबर ऑफ मोल्स आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो गिवन मास ऑक्सैलिक एसिड का कितना है टू मिलीग्राम हमें ग्राम में पुट करना है टेन की पार माइनस ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है ऑक्सैलिक एसिड का 126 ग्राम तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए नंबर ऑफ मोल्स को 6 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे लेकिन हर मॉलिक्यूल में दो वाटर है ना हर मॉलिक्यूल में दो वाटर हैं तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने वाटर होंगे एक बॉक्स में मैं दो पेंसिल रखती हूं तो मैं 10 बॉक्स में कितनी पेंसिल रखूंगी 10 2 एक बॉक्स में अगर मैं टू इरेजर्स रखती हूं तो मैं फाइव बॉक्सेस में कितने इरेजर्स रखूंगी फाइव इंटू टू इतने अगर ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल हर मॉलिक्यूल में टू वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा दिस मॉलिक्यूल टू एकदम ईजी सुपर इजी अब इसको काटो ये हो जाएगा टू ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दो आया कुछ समझ समझ में आया कि हमने क्या किया पहले हमने ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकाले तो ऑक्सैलिक एसिड का गिवन मास था 252 into 10 की माइनस थ्री मोलर मास था 126 हमने इसका काटा काटापिटी किया फिर हमने क्या किया हमने एवोकेट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सैलिक एसिड था नंबर ऑफ मोल आ गए फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए मैं प्रॉपरली इधर लिखती हूं तुम्हारे लिए देखो ये क्या चीज है इस फॉर्मूले से क्या आया नंबर ऑफ मोल्स अब मोल आ गए हैं तो मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे इससे निकलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप फिर ये हर में दो था तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा इंटू टू होगा हर बॉक्स में दो पेंसिलें होती हैं तो फिर एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस में कितने पेंसिलें होंगी टू एक्स होंगी ना समझे क्लियर हुआ हाँ तो बस इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा पार्ट ट्वेंटी फोर आइटम समझ में आया था हम सब करेंगे कमेंट बॉक्स में वी नीड टू लर्न हाउ टू प्ले विद नंबर्स ऑक्सैलिक एसिड की एक बॉटल में कोई हमें बता दे कितना ऑक्जैलिक एसिड पड़ा हम बता देंगे उसमें कितना पानी पड़ा कोई बंदा पानी पी रहा हो और वो हमें पता हो वो कितना ग्राम पानी पी रहा है कोई कोई अंगूठी दे तो तुम, सिर्फ लिखते, 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 लिखते तुमने एक पेंसिल से लिख रहे हो ग्रेफाइट को पेपर पे बिखेर रहे हो लिखते वह ग्रेफाइट पेपर पे फैल जाता है अगर कोई तुम्हें बता दे कितना ग्राम ग्रेफाइट पेपर पे फैला तो तुम बता दोगे कार्बन के कितने आइटम्स पेपर पर गिरे ज दैट थम्स अपन द कॉमेंट बॉक्स एंड लाइक द सेशन ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं फाइंड आउट द मास ऑफ मासन की पार ट्वेंटी ऑफ कॉपर अब तुम्हें क्या करना है अभी मैजिकल का यूज करना है मैजिकल फॉर्मूला का यूज करना सिखा रही हूँ क्योंकि टाइम हमारा आप हो रहा है सेशन का सिर्फ हमारे पास दो मिनट बचे हैं चार पांच मिनट लूंगी मैं तुम्हारे और होमवर्क में डाल रही हूँ फाइंड द मास ऑफ टेन की पार्ट यह सब होमवर्क कैसे करना है बताती हूँ कॉपर के बारे में बोल रहे हैं फाइंड द मास ऑफ टेन की पार्ट ट्वेंटी वन आइटम्स ऑफ कॉपर मोलर मास ही रहा ठीक है नंबर दे दिया उसने एंड मास मास का नंबर को इक्वल करना वो जो मैजिकल फॉर्मूला था उसमें गिवन नंबर अपॉन एवोकेटर नंबर इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ठीक है बस इतना ले लो और तो कुछ लेना नहीं है फाइंड आउट द मास निकालना है ठीक है कितना टेन की पार ट्वेंटी वन आइटम्स तो गिवन नंबर कितना है टेन की पार ट्वेंटी वन एवोकेडो नंबर कितना है सिक्स इंटू टेन की पार ट्वेंटी थ्री निकालना क्या है डब्ल्यू निकालना है क्योंकि तुमको मास निकालना है ना मास मतलब डब्ल्यू निकालना है मोलर मास कितना है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ये मैजिकल फॉर्मूला वाकई में तुम्हारे लिए मैजिक का काम करेगा मोल कॉन्सेप्ट में अगला सवाल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन वन ग्राम ऑफ वोटर हर तरीके के आइटम का तुमको टाइप निकालना मतलब तो कितने भाई जब तुम 1.8 ग्राम पानी लेते हो ये पानी की बूंद हुई वो उसमें हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन कितने पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालेंगे पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालेंगे देखो गिवन मास कितना है वन ग्राम मोलर मास कितना है एटीन ग्राम नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स इंटू सिक्स इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी थ्री ये क्या आ जाएगा समझे कुछ समझ में आ रहा है बेटा फास्ट तो नहीं हो गया एक सवाल करेंगे अच्छे से करेंगे भगाएंगे नहीं बोलो समझ में आ रहा है तो थम्स अप करेंगे ये ये वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर नंबर है ये क्या चीज़ है क्या चीज ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू ठीक है गिवन मास मास अपॉन मोलर ये क्या चीज है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मोल्स और मॉलिक्यूल्स में फरक है ना डजन को कन्वर्ट करते तो 12 से मल्टीप्लाई करते हो मोल को कन्वर्ट करोगे तो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करोगे अब बेटा एक पानी का मॉलिक्यूल ये ऐसा होता है इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं तो तुम्हारे एक इसको मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण से सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूंगी मैम लाइव टाइमिंग क्या है तो लाइव ही आ रही हो बिटिया ट्यूसडे थर्सडे अभी रुक जाओ मैं क्लास के सेशन के एंड में सारे बताऊंगी टाइमिंग क्या है कब आऊंगी सब बताऊंगा सुनो मैं अगर ए, तुम एक बर्थडे पार्टी करते हो तुम्हारे छोटे भाई बहन का ऐसा नर्सरी में पड़ता है तुम्हारा भाई बहन उसकी एक बर्थडे पार्टी करते हो तुमको रिटर्न गिफ्ट पैक करने हैं और तुम बॉक्सेस में रिटर्न गिफ्ट पैक कर रहे हो तुम्हारी एक मम्मी कह रही है कि बेटा एक काम कर मैं बॉक्सेस ले आई हूँ एकदम खूब सारे फ्रेंड्स बारह पंद्रह फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर रहे हैं और मैं बॉक्स ले आई हूँ पेंसिल बॉक्सेस अब एक काम कर बेटा तुमको बोल रही कि मम्मी बोल रही तुम्हारी कि बेटा एक काम कर तू हर बॉक्स में दो दो पेंसिल और एक एक इरेजर डाल दे हर बॉक्स में दो दो पेंसिल और एक एक इरेजर डाल दे तो तुम बोलोगे ओके और इसका गिफ्ट रैप कर दे गिफ्ट पैक कर दे अपन रिटर्न गिफ्ट बांट देंगे दो पेंसिल डालना एक इरेजर डालना एक इरेजर डालना ठीक है अब तुम्हारी मम्मी पूछे की बेटे बॉक्सेस कितने हैं तेरे पास में तो तुम बोलोगे मम्मा दस बॉक्सेस है टेन बॉक्सेस है तो फिर तुम पेंसिल डालने के लिए अपनी मम्मी से कितनी पेंसिल मांगोगे अगर तुम तुमको अपने छोटे भाई बहन के बर्थडे के लिए टेन बॉक्सेज एज अ रिटर्न गिफ्ट पैक करने हैं हर बॉक्स में दो पेंसिल होनी चाहिए तो फिर उसके अंदर तुम दस बॉक्सेस के लिए मम्मी से कितनी पेंसिल्स क्या डिमांड करोगे अंकित वेरी गुड ट्वेंटी आरुषि वर्मा ट्वेंटी आस्था पटेल ट्वेंटी ट्वेंटी पेंसिल इरेजर हो कितने होंगे इरेजर कितने होंगे इरेजर कितने गए मम्मी मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ जल्दी फटाफट से दो इरेजर मम्मी कितने इरेजर पैक कर रही है दस गिफ्ट पैक कर रही हूँ ये पेंसिल बॉक्स है एक इसमें ये दो पेंसिल है और एक इरेजर है ऑक्सीजन नाम का इरेजर है और हाइड्रोजन नाम की पेंसिल है तो क्या अगर मैं तुमको वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या बता दू वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर बता दू तो क्या तुम मुझे बता दो हाइड्रोजन कि आइटम्स कितने और ऑक्सीजन कितने है? हर वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन आइटम्स है और एक ऑक्सीजन आइटम है यहाँ प्रोसीड करते मॉलिक्यूल्स आ गए सिंस वी मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं कितने आए हैं 1 बाई टेन इंटू सिक्स इंटू टेन यानी कि सिक्स इंटू टेन की पार ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो इसके अंदर हाइड्रोजन आइटम्स कितने होंगे बेटा हाइड्रोजन आइटम्स कितने होंगे हर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन आइटम होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे ट्वेल्व इंटू टेन की पार ट्वेंटी टू ऑक्सीजन कितने होंगे ऑक्सीजन कितने होंगे हर मॉलिक्यूल में एक एक ऑक्सीजन आइटम होता है तो जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही ऑक्सीजन होंगे ठीक उसी तरीके से क्योंकि हर बॉक्स में तुम एक एक इरेजर पैक कर रहे थे तो जितने बॉक्सेस थे उतने इरेजर की डिमांड तुमने अपनी मम्मी से रखी तो इरेजर कितने होंगे ऑक्सीजन उक... <laughs> कितने होंगे ऑक्सीजन होंगे सिक्स इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी टू समझ में आया इसको एक बॉक्स मान लो इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ठीक इसी तरीके से बॉक्स में एक दो पेंसिल और एक इरेजर पैक कर रहे तो जितने बॉक्सेस पैक करने उसे डबल पेंसिल लगेगी और उतने ही रेजर लगेंगे तो जितने मॉलिक्यूल्स तुम वाटर के तुमने निकाले उससे डबल हाइड्रोजन आटम्स है क्योंकि हर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन आइटम है पहला ये रहा और दूसरा ये रहा और एक एक ऑक्सीजन आइटम आई होप आई हेव मेड द फंडामेंटल एब्सोल्यूटली क्लियर थैंक यू सो मच एग्जीन गेमिंग थैंक यू आयुषी वर्मा बेटू हाँ, हाँ, साक्षी बस सेशन ओवर बस होमवर्क दे रही करनी देती ये है अब आपको हर तरीके का आइटम निकालना है सुक्रोज मॉलिक्यूल में तो पहले तो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स निकाल लेना फिर कार्बन निकालने के लिए बारह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए ट्वेंटी टू से ऑक्सीजन के लिए इस तरीके से ये क्वेश्चन करना सारे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है पूरी प्रॉब्लम चैलेंजिंग है ये मोलर मास है तो अच्छे से इनको करना ठीक है अगर कितने सवाल है टोटल मैं तुमको पांच छह सवाल दे रही हूँ होमवर्क में देखते हैं तुम कितने खुद से कर पाते हो ठीक बच्चो? uh, मंडे, uh, मंडे है बच्चों नहीं हमारी क्लास में होती है ट्यूजडे होती है आज सैटरडे है ना तो मेरा शेड्यूल बता दी तो एक तो मुझे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लेना उससे तुम्हारा एक फायदा होगा कि मैं अगर कोई फ्री सेशन रख रही हूँ ऐप के ऊपर तो तुमको अनकेडमी से नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना मोबाइल में और डाउनलोड करके फिर अपना गोल सेलेक्ट कर लेना सीबीएसई क्लास इलेवंथ या ट्वेल्थ जो भी तुम्हारा गोल है फिर उसके बाद में एमओ एन आई सी ए बी डी आई मोनिका बेदी मेरा नाम लिखना या फिर मेरा आई डी लिखना मोनिका टू जीरो फोर टू लिख लो कहीं कॉपी में याद तो रहेगा नहीं है मोनिका टू जीरो फोर टू ये खोलोगे तो अन अकेडमी ऐप पे मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा वहां पे एक फॉलो का बटन है वो फॉलो दबा देना उससे क्या होगा मैं सपोज करू संडे को मेरा मूड हुआ कि चलो शाम को बच्चों का टेस्ट लगाते हैं तो तुमको पता ही नहीं लगा क्योंकि तुम कनेक्टेड ही नहीं हो तो मेरे से कनेक्टेड रहने के तरीके क्या है कि तुम अन अकेडमी के ऐप पे मेरे को फॉलो कर लो ठीक है उसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम आई डी मोनिका बेदी है एम ओ एन ए मोनिका बेदी टेलीग्राम आई डी है यू कैन ऑल्सो इंडिविजुअली डीएम अन अकेडमी के ऐप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मेरे को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं थैंक यू राशि ओ वाओ राशि कह रही यू विल फाइंड मी डेली आई मीन लव योर टीचिंग राशि साबू

और सपोज आपको नीट या जेई की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप वो गोल सेलेक्ट करते हो तो एडुकेटर्स अलग मिलेंगे आपको ठीक है एंड मेन्यू बटन पे जाना ऐसे मोबाइल में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऐसा तीन होंगे ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं मेन्यू बटन इस पे क्लिक करोगे तो स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है उस पर क्लिक करना मेरी क्लास का हिस्सा बनने के लिए आपको मेरा ही कोड लगाना एम बी लाइफ ये कोड बहुत जरूरी है याद रखना क्योंकि इस कोड के बिना आप स्पेशल क्लास ओपन नहीं कर पाओगे फ्री प्रोडक्ट्स जो है अनअकैडमी के वो आप इस कोड से अनलॉक कर सकते हो ठीक है आज के डाउट के बारे में मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि किसी भी टाइम आपको डाउट आए आप हमारे एक्सपर्ट से चैट करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो बात आती है सब्सक्रिप्शन की बच्चों सब्सक्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुझे बताना जरूरी है बिकॉज हम लोग एक पेड कोर्सेज भी चलाते हैं और जब हम पेड कोर्सेज चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है Those से पढ़ाई कर रहे कोविड के खतरा नहीं आपको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रही है सारे कोर्सेस की टॉप एडुकेटर्स इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं रेग्यूलर आपके डाउट सेशन होते हैं हर तीन कि और सभी का पैटर्न है ये थ्री क्लासेस पढ़ाएंगे एक क्लास में डाउट लेंगे मेरा पैटर्न है कि मैं तीन क्लासेस में होमवर्क बहुत देती हूँ अब आज तुमने सपोज मोल कॉन्सेप्ट किया इससे पंद्रह सवाल तुम्हें हर क्लास में होमवर्क में मिल रहे हैं तुम प्रैक्टिस कर रहे हो फिर कोई कोई सवाल तुम्हारे अटक रहे हैं लग नहीं रहे तो गोला मार दिया अभी डाउट क्लास होगी चौथी तो तुम पूछोगे मैम ये नहीं लगा ये नहीं लगा ये नहीं लगा मैम एक्सप्लेन करेगी कनेक्ट बहुत अच्छा होगा है ना इस तरीके से ये प्रोसीड करेगा और सिलेबस तुम्हारा छह महीने में कवर हो जाएगा मेंटरशिप एंड गाइडेंस तुमको टॉप की मिलेगी स्टडी मटेरियल हम खुद बनाते हैं खुद से हाथ से लिख के बनाते हैं सारे नोट्स हमारे खुद के मेरे तो बने हुए होते हैं हाथ से बने हुए होते हैं एंड प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज्यादा होते रहते हैं प्लस के प्लेटफॉर्म मतलब आपका नहीं कभी देखा होगा ना नाइन टेंथ में कभी ट्यूशन पढ़ने गए हो वो लेवल का माहौल है उससे ज्यादा डिसिप्लिन लेवल का माहौल है दूसरा होता है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये सारे फीचर्स तो आइकॉनिक में है ही ये सारे फीचर्स तो आइकॉनिक में है ही इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर है कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपसे टेलीफोनिकली कनेक्ट हो जाएगा आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग करेगा जब भी आपको डाउट आए आपको बताएगा वीकली रिपोर्ट बनाएगा आपकी आपके पेरेंट्स से भी बात कर लेगा स्टडी प्लानर बनाएगा और जो मैंने बताया वो सब आइकॉनिक में है अब मैं बताती हूं करना क्या है एक तो कोड कहीं लिख ले एमवी लाइव अपने कॉपी में जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो आपको करना क्या वॉट यू हैव टू डू इज कि आपको अकाडमी की लर्निंग अप इंस्टॉल करके फिर आपको उसमें गोल सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन तक पहुंचना है गेट सब्सक्रिप्शन हरे रंग की पट्टी होगी गेट सब्सक्रिप्शन आगे शो करने वाली हूँ उसको क्लिक करके आपके सामने ये ऑप्शन मिल जाएंगे आपको ये चार्जेस खुल जाएंगे इसमें ईजी ई एम आई ऑप्शन होते हैं जो कि करता है, कि अगर आप सारा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते तो आप इजी ई एम आई जो है ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लो कि ई एम आई बेसिस पे भी पेमेंट हो जाता है ठीक है यहाँ एक साल का सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो है आपकी फिफ्टीन थाउजेंड एंड इफ यू फील लाइक यू कनेक्ट टू मी इफ यू फील लाइक हमें मोनिका मैम का समझ में आ रहा है बी प्राउड टू यूज दिस कोड एम बी लाइफ टू टेक ऑफ फ्रॉम एन अन अकेडमी रेफरल कोड यूज करने पे ऑफ देता है डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट के लिए कोड अपने कॉपी में लिख ले ऐसा नहीं हो डिस्काउंट मिस हो जाए तो एक साल पे मिलेगा आपको टेन परसेंट डिस्काउंट और ये हट हो जाएगा थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का पंद्रह हजार के बजाय सारे सब्जेक्ट्स में और दो साल का जो कि पच्चीस का है ये हो जाएगा बाईस का अगर आप कोड लगाते हैं एम बी इसके अलावा इजी एम आई ऑप्शन भी अवेलेबल है ठीक है इसके अलावा आपको एक ऑफर भी मिल रहा है कि कल सोलह मई तक हमारा एक ऑफर है कि हम एक साल के सब्सक्रिप्शन पे दो महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं मतलब फोर्टीन मंथ्स तक आप पढ़ने के लिए एलिजिबल हो हमसे और इसमें दो साल पे चार का दे रहे हैं चाहो तो डेढ़ साल का सिलेक्ट करके देख लो ट्वेंटी थाउजेंड पे ट्वेंटी थाउजेंड पे भी ऑफ मिल जाएगा तो अठारह हजार में आपका हजार रुपये महीना हो गया ये तो अठारह हजार में अठारह महीने हजार रुपए महीना महीन ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कोड नोट कर लीजिएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक साल का है ट्वेंटी एट थाउजेंड का जो कि स्लैश डाउन हो जाएगा एम बी लाइव कोड लगाते ही ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में रफली ठीक है और दो साल का ले रहे हैं तो फोर्टी एट थाउजेंड जो कि स्लैश डाउन हो जाएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड में डेढ़ साल का ले रहे हैं या पंद्रह महीने का ले रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आपको एम बी लाइव रेफरल कोड लगाते ऑफ मिल जाएगा ठीक है एंड uh, ये हमारा अभी सिक्सटीन मे तक ऑफर वैलिड है तो आप ये जरूर फायदा उठाएं ये बहुत सही ऑफर चल रहा है तो ये लेकिन कल तक ही वैलिड है एज ऑफ नाउ ये देखो ऑफर वैलिड टिल वैलिटी ट्वेंटी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो इंस्टॉल कर लो इंस्टॉल करके प्लस पे कर, प्लस पे आ जाओ फिर ये पेज खुलेगा मतलब ये बारी बारी से दिखा रखा है स्टेप्स दिखा रखे हैं प्लस पे आ जाओ फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो जो भी आपकी कैटेगरी है हर कैटेगरी पे एम लाइफ से डिस्काउंट मिल जाता है आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें गेट सब्सक्रिप्शन हाँ मुझसे पढ़ने आ रहे हैं तो ये कैटेगरी में मिलूंगी मैं ठीक है मुझसे ही पढ़ना है प्लस पे तो इस कैटेगरी में मिलूंगी अगर आपको जनरली चाहिए कि नहीं हमें नीट या गेट पे जाएं। और इस, से, उफ, एज इस पे आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं नाउ आई इट्स टाइम फॉर मी टू टेक लीव लेट मी जस्ट सी कितने बच्चे कौन कौन बच्चे हैं बाय आस्था थैंक यू सो मच बाय मंजू बाय प्रिया बाय ज्योतिका बाय सुखमन बाय उत्कृष थैंक यू सो मच बेटा टेस्ट केविन मंडे को होगा क्लास में ही होगा ऐसा कॉपी चेक में नहीं करूँगी हम मेंटी लेंगे हमारा अलग टेक्नोलॉजी एडवांस टेस्ट होगा ठीक है मजे आएंगे तुमको रैंक वैंक आएगी क्लास में तुम्हारी सब आएगा ठीक है हाय रुचि बी मतलब अब तो बाय रुचि बाय एवरीवन सो इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ लीव प्लीज डोंट गो विदाउट लाइकिंग अ सेशन सेशन लाइक जरूर करके जाना भूल के मत चले जाना वो चाय पी के जाना मेहमानों को बोलते हैं ना चाय जरूर पी के जाना तो अभी मैं वो नहीं बोल सकती तो सेशन को लाइक like, जरूर करके जाना ठीक है बाय 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 बाय